जवान मूवी को लेकर जैसी उम्मीद लगाई जा रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से पिक्चर ऑलमोस्ट हर एक पॉसिबल रिकॉर्ड को डिमोलिश करते जा रही है। नया इंग्लिश वर्ड सीख लेना। 8 महीने पहले पठान ने जो किया था, जवान भी वही कर रही है, बट बेटर। कितना बेटर, इसका अंदाजा लगाने के लिए पठान के पहले 5 दिन में से उसने 4 दिन 50 से ज्यादा करोड़ कमाए थे। बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल फीट था। और सबसे ऊपर वाला पीक जो पठान ने टच किया वो था 1 दिन के अंदर 70 करोड़, किसी भी एक हिंदी मूवी के लिए अनहर्ड नंबर। जवान ने ये 70 करोड़ का जो पीक है ना, उसको पहले दिन ही बीट कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड डे पे फिर से बीट किया, और ये अपने ही थर्ड डे वाले रिकॉर्ड को फोर्थ डे पे फिर से तोड़ दिया। जिसके पीछे का रीजन तो सिंपल है कि हिंदी के कलेक्शंस जवान के बेटर हैं, लेकिन जो इसके डब्ड वर्जन है तमिल तेलुगु, वो 3 से 4 गुना ज्यादा कमा रहे हैं पठान के कंपैरिजन में। पिछले महीने पिक्चर रिलीज हुई थी गदर 2, आपने नाम सुना होगा, उसने काफी बढ़िया बिजनेस किया। फिर भी उस मूवी का जवान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि गदर 2 ने जो हाई टच किया था वो 55 करोड़ सिंगल डे। तो मैं जो तुमको पठान और जवान के 70, 75, 80 करोड़ बता रहा हूँ ना, उसके आसपास कोई दूसरा एक्टर है ही नहीं भाई। खुद का कंपटीशन खुद से। शाहरुख खान को ओवरसीज का किंग माना जाता है, और जवान के केस में तो वो जो पूरा फ्लेक्स मार रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पे पठान का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि कोई भी हिंदी मूवी पठान का ओपनिंग वीकेंड जो कि 5 दिन का था, क्योंकि बुधवार को पिक्चर रिलीज हुई थी, उसने वर्ल्ड वाइड 543 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। जवान ने ओपनिंग ली 520 करोड़ की, लेकिन 4 दिन के अंदर। और यही 520 कमाने के बाद वो ऑलरेडी टॉप 17 इंडियन मूवीज एवर मेड की लिस्ट में पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में सिर्फ 4 दिन की कमाई। सनी देओल की जो गदर 2 आई थी, उसके इंडिया कलेक्शंस को बीट करने में अभी टाइम लगेगा, बट क्योंकि वो मूवी ओवरसीज में उतनी नहीं चली, तो अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड टोटल की बात करें, जवान 7 दिन के अंदर बीट कर देगी गदर 2 को। लेकिन शाहरुख खान अपनी स्टार पावर का यूज करके हिंदी के साथ साथ इंडियन सिनेमा का बिजनेस कितना एक्सपांड कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल। ही इज द ओनली इंडियन एक्टर जिनकी 2 मूवीज ने 500 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस ओपनिंग ली है। पूरी इंडिया में कोई दूसरा एक्टर नहीं है। प्रभास हो सकते थे क्योंकि उनकी 3 पिक्चरों ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड किया था, बट बाहुबली 2 के बाद कोई अच्छी मूवीज नहीं बनाई, तो पिक्चर पहले दिन ओपन बड़ा करती है और उसके बाद ढह जाती है। साहो और आदि पुरुष को ले लो, पहले दिन का जो उनका ओपनिंग था जवान के काफी क्लोज है। अच्छी बनाई होती तो उनकी 3 पिक्चरें 500 करोड़ ओपनिंग के क्लब में होती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें ना, तो इसी साल जितने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं पठान जवान मिला के शाहरुख खान ने 8 दिन 100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड सिंगल डे कमाया है। 8 डेज। फिल्म इंडस्ट्री के ही अगर बाकी एक्टर्स को ले ले तो अक्षय कुमार की एक पिक्चर है 2.0, श्रद्धा कपूर को ले सकते हो फॉर साहो, आदि पुरुष के केस में सैफ अली खान और कृति सैनन को काउंट कर सकते हैं, संजय दत्त फॉर KGF चैप्टर 2, अजय देवगन, आलिया भट्ट, RRR। इन मूवीज ने एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा तो कमाया है वर्ल्ड वाइड स्टेज पे, बट क्या तुमने एक पैटर्न नोटिस किया? ये सारे के सारे कैरेक्टर सपोर्ट में थे। अगर हम लोग लीड की बात करें तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ओवरऑल टोटल 0 है, शाहरुख खान का 8। लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स दिमाग के अराउंड रैप नहीं हो रहे, तो फिर एकदम सिंपल सी बात करते हैं। हिंदी मूवीज ने इकलौते दिन में सबसे ज्यादा पैसा कब कमाया है, इसकी अगर टॉप 5 की लिस्ट निकालोगे, नंबर 1 पे है जवान 80 करोड़, नंबर 2 पे है जवान 77 करोड़, नंबर 3 पे है जवान 75 करोड़, नंबर 4 पे पठान 70 करोड़, नंबर 5 पे पठान 60 करोड़, पांचों शाहरुख खान के। अब छोटा सा कंपैरिजन करके फैन वॉर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कमेंट्स भी तो चाहिए वीडियो पे। कुछ दिनों पहले अपने भाईजान की एक पिक्चर रिलीज हुई थी, किसी का भाई किसी की जान, ब्रेसलेट दिख रहा है ना, उसका लाइफ टाइम नेट कलेक्शन इंडिया में 110 करोड़ था, जिसको जवान ने सिर्फ 2 दिन में 128 किया है। 2 डेज। भाईजान टाइगर के साथ कमबैक करोगे ना, कंट्रोवर्सी हो गई, अब कमेंट्स में लड़ो और एंगेजमेंट दो, नहीं लड़ना तो सब्सक्राइब। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्वियस क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा कि क्या ये पिक्चर पठान के टोटल कलेक्शन को बीट कर पाएगी। सिंपल सा आंसर है यस इट शुड, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट में वो उससे बेटर है और बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और भाई सिर्फ हाथ मत दिखाओ यार, क्योंकि देखो अगर हम लोग वापस से इंडियन नेट कलेक्शन पे आ जाए तो जवान का 4 दिन का है 287, पठान के यही ओपनिंग वीकेंड था 281, बट 5 दिन। फर्स्ट मंडेज की बात करें तो पठान का 26.5 करोड़, जवान का 30 करोड़, तो उसने ओपनिंग भी बेटर ली, पहला मंडे भी जवान का बेटर है। यहां से अगर वो हर दिन इक्वल पैसे कमाए पठान से, फिर भी बीट कर देगी। लेकिन जिस तरीके का होल्ड दिख रहा है जवान का, 30 डेज के अंदर पठान को बीट कर देना चाहिए। थोड़ा अगर बोल्ड वाले प्रेडिक्शन देने हो तो 22nd से 25th डे के बीच में पॉसिबल है जवान पठान को बीट कर देगी और बन जाएगी हाईएस्ट अर्निंग हिंदी मूवी इन इंडिया एवर। टॉप पे शाहरुख खान पहले से थे, अब खुद को ही क्रॉस करके नया टॉप बनाएंगे। लेकिन ये जो मैं टॉप की बात कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ हिंदी मूवीज तक लिमिटेड है। अगर हम लोग ऑल ओवर इंडियन मूवीज की बात करें तो वो अभी भी काफी ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल जो चैलेंज जवान के सामने है ना, RRR के इंडिया
कलेक्शन को बीट करना। आरआरआर के बस ओनली इंडिया कलेक्शन जो थे 944 करोड़ ग्रॉस उसको बीट करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब जवान के लिए 700-750 करोड़ टच करना पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए ये 944 रीच के थोड़ा बाहर लग रहा है। अगर एक्चुअल में उसको टॉप 3 में आना है तो बहुत ही इनक्रेडिबल वाला होल्ड दिखाना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव नोट पे खत्म करने के बदले एक होप वाले नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ये वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में पठान और केजीएफ चैप्टर 2 के नंबर्स को बीट कर सकती है। पठान के 1050 के आसपास है और केजीएफ के 1200। 4 दिन में 520 तो क्रॉस कर लिया इसने, अब बस लाइफ टाइम में उसको डबल से थोड़ा ज्यादा करना है। क्या ये पॉसिबल है तुम कमेंट्स में बताना। और गदर 2 है ना, पठान को बीट करने वाली थी लेकिन रह गई, कैसे क्या हुआ इस वीडियो के अंदर बताया मैंने, चेक कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।